सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो गति के समीकरणों की शुद्धता की हमने जांच की थी, आज हम शुद्धता की जांच करेंगे। परंतु गति के समीकरण हमने किए थे, उसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, सवाल होते हैं, उनकी हम शुद्धता की जाँच करेंगे। तो आज हम जो है क्या क्या करेंगे, शुद्धता की जांच। या इसको हम सत्यता की जांच भी कहते हैं, करेक्टनेस, सही है कि गलत है, इसके हम टेस्ट कैसे करें, टू टेस्ट करेक्टनेस। अब हमारे पास मान लो कि ये कोई सूत्र है टी इक्वल टू टू पाई L बटे G, इसकी अपने को शुद्धता की जांच करना है। तो पिछले वीडियो हमने शुद्धता की जांच को अच्छी तरह से किया था, आज हम थोड़ा देखेंगे सूत्र के बारे में। पिछले समीकरण भी देखे थे हमने, तीन समीकरण देखे थे गति के, आज हम इन समीकरण के साथ में सूत्र की जांच भी हम करेंगे। तो जांच करेंगे, पिछले वीडियो बताया जाता है शुद्धता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमा निकालेंगे, फिर नियत राशि होगी उसको हटा देंगे, फिर दोनों पक्षों की यदि विमा समान होती है तो समीकरण या सूत्र शुद्ध होगा। तो पहले वही देखेंगे कि LHS की विमा निकालो, LHS की विमा यानी टी टाइम, टी की विमा, टी की विमा क्या होती है, टाइम की विमा टी होती है, टाइम की विमा टी होती है। दूसरा हम देखेंगे RHS की मान निकालेंगे, RHS में क्या टू पाई, टू पाई तो कांस्टेंट है इसलिए इसको छोड़ देते, हमेशा क्या करें नियत राशि को हमेशा हटाते, बचा क्या है L बटे G, L क्या लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L होती है, लंबाई की L और त्वरण की LT माइनस टू होती है, LT माइनस टू, L से L कैंसल, T ऊपर जा रहा है, T का स्क्वायर हो जाए और टी बाहर आ जाएगा तो टी हो जाएगा। तो इस तरह से RHS की मान क्या हो गई, टी, RHS की मान क्या है टी और LHS की मान क्या थी टी। तो क्या निष्कर्ष निकला कि RHS की मान और LHS की मान दोनों इक्वल होती है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, सूत्र शुद्ध है। यदि दोनों की मान बराबर आ जाए तो समीकरण या जो भी सूत्र दिया हो शुद्ध हो। दूसरा सवाल देखेंगे कि F इक्वल टू एम वी वर्ग बटे आर, इसकी शुद्धता क्या जांच करेंगे, सही की गलत है। F बल, F क्या है बल, M द्रव्यमान है, V वेग है और R त्रिज्या है। अब इसकी हम शुद्धता की जांच करें, बल, बल का विमा हमने पिछले लेक्चर पर निकाल रखी है, LHS विमा यानी F की विमा, एक बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल का सूत्र क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान का एम मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण का एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, इसकी विमा क्या रहेगी एम एल टी माइनस टू, ये बल की विमा होती है। इसी प्रकार से RHS की विमा हम देखेंगे, RHS की विमा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी विमा निकालेंगे, एम क्या है द्रव्यमान मास, मास की मान एम, वी क्या वेग, वेग की मान एटी माइनस वन, इसका स्क्वायर इसको लगा दो, अपन आर क्या त्रिज्या, रेडियस, रेडियस की मान एल होती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपन एल, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या एम एल टी माइनस। देखो LHS की मान क्या आ रही है MLT माइनस टू, RHS की मान क्या आ रही है MLT माइनस टू, दोनों पक्षों की विमा क्या है बराबर है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या होगा शुद्ध होगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सवाल करेंगे अपन, V इक्वल टू अंडर रूट E बाय V की जांच करेंगे, E V वेग E प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा बीमा वाले लेक्चर्स में अपन निकाल लेते देखना, और डी जो है वो टेंसिटी है घनत्व,
घनत्व का सूत्र था द्रव्यमान बटे आयतन। v वेग, वेग की मात्रा क्या होती है LHS की मात्रा, यानी v की मात्रा क्या होती है LT माइनस वन, ये वेग की मात्रा हो गई। अब आ जाओ RHS में, RHS की मात्रा क्या है E क्या विद्युत कहलाता प्रत्यास्थ गुणांक, और प्रत्यास्थ गुणांक होता बल बटे क्षेत्रफल। इसकी विमा हमने पिछले लेक्चर से निकाल रखी थी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ML माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रत्यास्थ गुणांक की विमा होती है। इसको किस प्रकार से निकाला गया पिछले लेक्चर में देखना अच्छी तरह से। डी घनत्व, घनत्व का सूत्र होता है लिखे था घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का एम और आयतन का एल की घात टी, ये हो जाएगी एम एल की घात माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री होती। जब भी घनत्व आए द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का एम और आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई एल की घात टी, एम एल की पावर माइनस थ्री, ये हमारे पास इसकी विमा हो जाएगी। दोनों के मान रख देंगे यहाँ पे, एम सेम कैंसिल हो जाएगा, एम ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर थ्री हो जाएगी, और टी माइनस वन टी माइनस टू, यहाँ से क्या बचेगा एल वर्ग टी माइनस टू, ये अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा वर्ग घट जाएगा, वर्ग घटने पर क्या बचेगा एल टी माइनस वन, ये इसकी विमा हो जाएगी एल टी माइनस वन। एल एच एस की विमा क्या आ रही है एल टी माइनस वन, आर एच एस की क्या आ रही है एल टी माइनस वन, तो दोनों पक्षों की विमाएं क्या है बराबर है, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध होगा, सही होगा, सत्य होगा। इसी प्रकार से हम और भी भौतिक राशि भौतिक समीकरण होते हैं उसकी विमा दोनों पक्षों के निकाल के हम उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो लेते हैं v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, टी बाय वी वेग है, टी तनाव है टेंशन बल, जब भी तनाव है तो बल, वी द्रव्यमान है लेकिन ये द्रव्यमान एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यहाँ पर जो एम है वो स्मॉल एल बटे कैपिटल एल होता है, एम अपॉन एल होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है एम अपॉन एल होता है, यहाँ चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम वी की विमा निकालेंगे, वी एल एच एस की विमा, यानी वी की विमा, वी मतलब ये है वेग की विमा आपने पता एल टी माइनस वन होती एल टी माइनस वन। अब आर एच एस की विमा निकालो, आर एच एस की विमा अंडर रूट टी बाय एम, टी बाय एम टी मतलब तनाव टेंशन, टेंशन की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, जो फोर्स की होती है वो टेंशन की होती है, ध्यान रखना फोर्स क्या टेंशन है, एम एल टी माइनस टू अपान लंबाई इसकी एम अपान एल, एम मास एल लंबाई एम बटे एल हो जाएगी, तो एम सेम कैंसिल हो जाएगा, ये एल ऊपर चले जाएगा एल की पावर माइनस टू हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट हटा देना एल टी माइनस वन। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो है वो समीकरण की हम शुद्धता की जांच आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये हमने शुद्धता की जांच की है, कुछ सवालों में आपको करने के लिए दे देता हूँ और कमेंट्स में इसका उत्तर देंगे सभी करके, और ये सवालों को किस प्रकार से करते हैं मैंने बताया, मैं कुछ आपको होमवर्क कमेंट इसमें वीडियो में डाल देता हूँ ताकि आप कुछ प्रैक्टिस करें, और यदि नहीं आते सवाल समझ में तो मैं कमेंट्स में लिखे ताकि मैं आने वाले वीडियो में इसके आंसर दे सकूं। पहला सवाल 1/2 एम जी का स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, इसकी शुद्धता की जांच करना है। v इक्वल टू 1/2 एल अंडर रूट टी बाय एम, इसकी शुद्धता की जांच करना है। तीसरा k इक्वल टू v स्क्वायर एम स्क्वायर, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, ये ऊर्जा है
गतिज ऊर्जा, यानी ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य कीमा लिखना है इसमें कार्य एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो कार्य कीमा होगी वो ऊर्जा कीमा होगी। इसलिए ध्यान रखना कि जो ऊर्जा जो होती है वो कार्य होता है, और कार्य की कीमा होती है ऊर्जा कीमा के बराबर होती है। जब भी ऊर्जा आ जाए कार्य लेके न जाए तो उसके हम फार्मूला कौन सा लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब एक ऊर्जा है कार्य है उसकी विमा होती है एम एल मतलब टी माइनस टू। तो ये जो सवाल मैंने दिए है ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने आज शुद्धता की जांच की है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और इस टाइप से यदि कोई भी प्रश्न यदि आ जाता है तो हम उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस एक मेथड याद रखना है। मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले दोनों पक्षों की विमा निकाल लेना, विमा निकालने के बाद क्या करना है उसमें यदि कॉन्स्टेंट आ तो हटा देना नियत राशि, फिर यदि दोनों पक्षों की विमा यदि बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे शुद्ध है, और यदि बराबर नहीं आती है तो वो अशुद्ध होगा। तो आज हमने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ शुद्धता की जांच की है, लेकिन एग्जाम में कुछ अशुद्ध फार्मूले भी आ सकते हैं, अशुद्ध भी पूछ सकते हैं कि भाई ये सही है कि गलत है। तो यदि विमा बराबर नहीं आती तो हम कह देंगे कि वो अशुद्ध है गलत है, विमा बराबर आ जाती है हम कहेंगे कि शुद्ध फार्मूला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे उसका दूसरा उपयोग देखेंगे। शुद्धता की जांच हमने देख ली है पहला उपयोग, आने वाले वीडियो में देखेंगे कि जो सूत्र की स्थापना हम किस प्रकार से करें, विमी निधि की सहायता से हम सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।